हेलो दोस्तों, 15 फरवरी 2017 इंडिया के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इसरो ने कल एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसरो ने 30 मिनट में एक रॉकेट के जरिए सेवन कंट्री के 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए, और ये पल हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का एहसास दिलाता है कि हम स्पेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज कुछ बातें इंडिया और इसरो के स्पेस के सफर के बारे में बताऊंगा, कैसे हमने ये सफर पूरा किया। भारत ने अपना स्पेस रिसर्च प्रोग्राम 1962 में शुरू किया था। लंबे वक्त तक इसरो बेहद लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ काम करता रहा। 1981 में भारत ने जब अपना छठा सैटेलाइट एप्पल लॉन्च किया था, तब इसे पेलोड तक बैलगाड़ी से ले जाना पड़ा था। कल भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इनको स्पैर ने भारत के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत 1962 में की थी। इनको स्पैर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के तहत काम करती थी। ये बाद में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में बदल गई। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। भारत ने अपना पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था। ये एक नायक अपाचे रॉकेट था जिसे अमेरिका से लिया गया था। इसे सिर्फ लॉन्चिंग की ताकत परखने के लिए छोड़ा गया था। भारत में बना पहला रॉकेट रोहिणी 75 था। इसे 20 नवंबर 1967 को लॉन्च किया गया था। ये रॉकेट टेक्नोलॉजी बनाने की ताकत परखने के लिए था। आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट था। इसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। 360 किलोग्राम वजन इस सैटेलाइट का नाम प्राचीन भारत के एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। आर्यभट्ट को मैसेज भेजने के लिए बहुत बड़े एंटीना का इस्तेमाल किया जाता था। 7 जून 1979 को इसरो ने अपना दूसरा सैटेलाइट भास्कर 1 लॉन्च किया था। यह भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। भास्कर 1 की भेजी फोटो का इस्तेमाल जंगल, पानी और समुद्र के बारे में जानकारी जुटाई जाती थी। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी इसरो का पहला ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है। इसने पहली उड़ान 20 सितंबर 1993 को भरी थी। हालांकि ये लॉन्चिंग नाकाम रही थी। ये इसरो का अभी तक का सबसे कामयाब लॉन्च व्हीकल है। पीएसएलवी ने अब तक 39 उड़ान भरी है, जिसमें से 37 पूरी तरह कामयाब रही। ये तीन कामयाबी जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया। चंद्रयान 1, इसरो ने इसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। इसने 30 अगस्त 2009 तक काम किया। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर मौजूदगी दर्ज कराने वाला छठा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका, रूस, जापान, चीन और यूरोप इसे मंगल ग्रह पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाला अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा देश बना। इस मिशन की सबसे खास बात यह रही कि इसरो ने यह कामयाबी पहली ही कोशिश में हासिल की। इसके अलावा अमेरिका और रूस के मिशन की तुलना में इसकी लागत बेहद कम थी। इसे सिर्फ 400 करोड़ रुपए में पूरा किया गया। 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए। 15 फरवरी 2017 को भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट स्पेस में भेजकर रूस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रूस के नाम एक बार में 37 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड था। इससे पहले भारत एक बार में 23 सैटेलाइट तक भेज चुका था। आगे क्या है इसरो की प्लानिंग? इसरो आने वाले वक्त में सन
वीनस जुपिटर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है। मून और मार्स पर दोबारा अपना स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे इसरो और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों आपको हमारे बताए हुए इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा तक शेयर कीजिए। और आपके अगर कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।